पर तेज रफ्तार ट्रेलर चालक ने एक मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। आपको बता दें मोटरसाइकिल सवार हजारीलाल गुर्जर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ट्रेलर चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं अभी अभी जयपुर से अपने बयाना विधानसभा के लिए आ रहा था। रास्ते में एक नरेपुर गांव में एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई है और उसको देख करके सबका दिल दहल गया। और मैंने इस विषय में गाँव वालों से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि यहाँ कई भी घटना हो चुकी है और यहाँ पूरे गांव की एक ब्रेकरों की मांग है और ब्रेकर होने चाहिए क्योंकि नजदीक में विद्यालय भी है। खबर विराटनगर से है जहाँ एक बार फिर गोली कांड हुआ है। आपको बता दें विराटनगर में फिर से गोलीकांड हुआ है। कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर दुकान में बैठे युवक पर तीन अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों के नाम पूछकर गोली मार दी गई है। अचानक हुई इस फायरिंग की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया है। घटना की सूचना पर पुलिस प्रशासन ने मौके पर नहीं पहुंचने से स्थानीय लोगों में रोष है। घायलों को स्थानीय लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जिसके बाद युवक की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। बता दें कि विराटनगर कस्बे में फायरिंग की यह चौथी वारदात है। पूर्व में हुई फायरिंग की घटनाओं का खुलासा नहीं होने से स्थानीय लोगों में काफी रोष देखा गया। बीजेपी ने मिशन 2023 और प्रदेश में विधानसभा चुनाव से दो साल पहले ही अपना कुनबा तेजी से बढ़ाने की कवायदें तेज कर दी हैं। शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की मौजूदगी में सात नेताओं की बीजेपी में ज्वाइनिंग ने सियासी हलके में गहमा गहमी का माहौल बना दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में विराटनगर से निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी सामाजिक कार्यकर्ता रत्ना कुमारी ने जहां भाजपा में शामिल हुई वहीं देवी सिंह शेखावत की भी हुई घर वापसी। और इसी बीच वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस मास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज, 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर।
सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान को लेकर दिल्ली में चल रही सियासी सरगर्मियों के बीच प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। आपको बता दें, करीब 1 घंटे चली बैठक के बाद उन्होंने कहा, मैंने उनके साथ अपने विचार साझा किए हैं, यह अच्छा है कि वह सभी से फीडबैक ले रही हैं। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि राजस्थान में कांग्रेस फिर से सत्ता में आए। कुछ विलंब जरूर हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कहीं जरूरत है बदलाव करने की सरकार में, संगठन में, उसमें AICC और जो प्रदेश की सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, वो बात कर उचित समय पर सही निर्णय लेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अब 2 साल से कम का समय रहा है अगले चुनावों के लिए, और हम लोग चाहते हैं कि हम पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत से वो चुनाव लड़ें, क्योंकि हमेशा राजस्थान में होता रहा है कि 5 साल सरकार कांग्रेस की रहती है, फिर 5 साल बाद भाजपा की आ जाती है, और इस बार बहुत मजबूती से हम चाहते संगठन को तैयार करें, वर्कर्स को मान सम्मान मिले, सबका पार्टिसिपेशन हो, सबकी भागीदारी हो, संतुलन हो, राज्य के अलग अलग हिस्सों का, सामाजिक जो हमारे तबके अलग अलग, उन सबको साथ लेकर चलें। खबर नागौर से है, जहां कुचेरा थाने में कांस्टेबल के जन्मदिन पर थाने में DJ पार्टी का आयोजन किया गया। थाना अधिकारी और वर्ताधिकारी ने कांस्टेबल से केक कटवाकर जन्मदिन मनवाया। वहीं केक काटने के बाद पुलिसकर्मियों ने फिर जमकर ठुमके लगाए और खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई। जहां आम जनता के लिए DJ शाम होते ही बंद करवा दिया जाता है, वहीं थाना परिसर में ही देर रात तक DJ पार्टी चलती रही। वहीं डांस पार्टी वीडियो वायरल होने के बाद SP अभिजीत सिंह ने दिए जांच के आदेश। खबर भिवाड़ी से है, जहां पुलिस ने करीब 3,000 से ज्यादा वारदातों को अंजाम देने वाले 2 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, ये अपराधी दिल्ली सहित आसपास के NCR इलाके में लगभग 1,000 लूटपाट, हत्या, डकैती सहित अन्य गंभीर वारदात में शामिल थे। भिवाड़ी पुलिस SP राममूर्ति जोशी ने खुलासा करते हुए बताया कि दिल्ली निवासी सुच्चा और पौवा दोनों ही हार्डकोर अपराधी हैं। इन दोनों ने दिल्ली सहित आसपास के NCR इलाके में लगभग 1,000 लूटपाट, हत्या, चोरी, डकैती, चैन स्नैचिंग जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ये दोनों ही दिन के समय पौस इलाके की सोसाइटी में बिजली कनेक्शन करने, अन्य खराब पड़े सामान को सुधारने का बहाना बनाकर घरों में घुसते थे, जिसके बाद वे रिवॉल्वर और चाकू की नोक पर लूटपाट और हत्या जैसी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। दोनों लगभग 14 साल से इसी तरह वारदातों को अंजाम देते आ रहे हैं। आपको बता दें, दोनों ही आरोपी 70 से ज्यादा बार अनेक मामलों में जेल भी जा चुके हैं। वक्त हो गया एक छोटे से